अपॉन डी स्क्वायर, डी क्या होता है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, एफ क्या होता है उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल जी क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है कितनी 6.67 × 10⁻¹¹ m1 क्या होता है m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओ F जो है, ये न्यूटन का पहले लॉ के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, F जो है वो मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, यस और नो? और अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट के मासेस बढ़ाऊंगा तो उनके बीच में जो फोर्सेज है वो भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं मासेस को कम कर दूंगा तो उनके बीच में जो फोर्सेज है वो भी कम हो जाएंगे, यस और नो? ऐसे ही डी, डी के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में अगर आप एक चीज बढ़ाते हो तो दूसरी कम हो जाएगी, तो अगर आप उनके बीच के ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी, और अगर आप उनके बीच के डिस्टेंस को कम कर दोगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो बढ़ जाएगी, ये समझ आ रहा है? इस रूल को, इस लॉ को ध्यान में रखते हुए हम इस सिमुलेशंस को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्या हमारे अकॉर्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर हमारे पास ये सिमुलेशन, ये स्पेस में फिलहाल हमारे पास सन है और अर्थ है। सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करेगी, yes, sir. किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन की वजह से रिवॉल्व करेगी। लेट्स प्ले इट, देखो रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पर सेंटर में कौन है? सन, उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अगर मैं आपको इसका पाथ दिखाऊं तो देखो इसका पाथ ऐसे जा रहा है, आर यू एबल टू सी इट? ये इसके चारों तरफ घूमती रहेगी कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं। अब मुझे सबसे पहली चीज बताओ, ये घूम किस फोर्स की वजह से रही है? कौन लगा रहा है? सन। क्या होगा अगर मैं सन को यहाँ से हटा दूँ? ये जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी में सीधी चलती चली आएगी, यस और नो? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर मैं सन को हटा दूंगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जिस वेलोसिटी से जा रही होगी, जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, उसी वेलोसिटी से सीधी निकल जाएगी स्पेस में, यस और नो? yes, चलो देखते हैं, इसकी वेलोसिटी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, देखो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है वो कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पर अगर मैं सन को हटा दूँ देखो क्या होगा, सन हट गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हट गई, तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा आउटर स्पेस में, कहीं भी जा सकता है। कहाँ गया होगा? कितना भी जा सकता है। कब तक मूव करेगा? जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। देखो इसका पाथ भी जा रहा है, सन को एकदम से लाने में नहीं आया, वो तो चला गया ना, काफी दूर चला गया। ठीक है बच्चों, समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नो, रिटर्न लाते हैं ऑब्जेक्ट्स को वापस, प्ले करते हैं। अब मुझे ये बताओ, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये वाला जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, अगर मैं मास बढ़ा दूं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। लेट्स सी मास बढ़ाने से क्या होता है, देखते हैं जरा। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अर्थ का, देखो अर्थ का मास बढ़ाया। अब अर्थ जो है वो सन के मुकाबले बहुत छोटा है, इसलिए आपको चेंज ज्यादा नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं सन का मास बढ़ाऊं तो देखो अर्थ उसके और ज्यादा पास आ जाएगी। अरे और सर अभी दोबारा आएगी, बताओ टकराएगी नहीं? टकराएगी,
जस्ट मिस हो रहा है। अच्छा ये इतनी पास कैसे आ गया? मास बढ़ गया, मास बढ़ते ही साथ हमने बढ़ा, मास बढ़ा दोगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इसके पास आ गया। यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गई बात? प्लीज कैसे अभी इतने कोई डाउट है? अगर मैं प्लैनेट्स का मास कम कर दूं तो जो फोर्स होगी वो भी कम हो जाएगी। देखो कितनी कम हो गई, बाहर निकल गई। कैसे अप्लीकेबल हो रहा है न्यूटन का पहला लॉ हमारे सोलर सिस्टम पे? यस और नो? चलो अगर मैं तीन चीजें एक साथ, या फिर पहले सन और मून वो देख लेते हैं, अर्थ और मून, ठीक है। अर्थ और मून में भी ऐसी होता है, मून जो होता है वो ऐसे रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के चारों तरफ। अगर मैं मास बढ़ा दूं मून का तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मून अर्थ के सामने बहुत, लेकिन अगर मैं अर्थ का मास बढ़ा दूं तो उस केस में टकरा के हमें भी पढ़ने लायक नहीं छोड़ेगा। अब ये उससे टकराया ना, देखो कोई ऑब्जेक्ट आके उससे टकराया तो एक फोर्स लगी उसके ऊपर। अब फोर्स लगी तो उसको चला देगी ना, और वो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकना। समझ आ रही है? बताओ चलेगा या कुछ खराब होगा? चलो अब तीन ऑब्जेक्ट देखते हैं, सन, सन के चारों तरफ अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मून। भाई मून अर्थ के चारों तरफ है, अर्थ सन के चारों तरफ है। तो डिजाइन बना रहा है। अच्छा लग रहा है डिजाइन? अरे सर अगर मैं सन का मास बढ़ा दूं तो क्या होगा बच्चों? सन का मास बढ़ाने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। और पास आ गए देखो ये सन के, थोड़ा सा और बड़ा, क्योंकि सन की ग्रेविटेशन फोर्स से मून की, उस पे भी तो फर्क पड़ रहा था ना, तो मून तो टकरा गया, मून का काम हो गया खत्म। आवाज को देखते हैं और पास अर्थ का मास कम करने से तो फिर अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना। देखो अच्छा अगर मैं एकदम से लाऊंगा ना तो अगर मैं एकदम से चेंज करूंगा तो क्या होगा? क्या इसमें न्यूटन का वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? और ये हम बात कर रहे हैं किसकी? सोलर सिस्टम की। ये वाला लॉ एप्लीकेबल हो रहा है ना, तो अगर सोलर सिस्टम में एप्लीकेबल हो रहा है तो हर जगह ये एप्लीकेबल होगा, और इसीलिए इसको क्या बोला गया था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ कौन मूव करता है? सैटेलाइट। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून। ये वाली जो सैटेलाइट्स हैं ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती हैं जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं, राइट, अर्थ के ऑर्बिट में।
अगर मैं यहाँ पर मास बढ़ा दूं तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सुनो, देखो और पास आ गई है अर्थ के, अगर मैं अर्थ का मास बढ़ा दूंगा तो तो क्या अब आप लोगों को ये लॉ समझ आ रहा है? ये जो फोर्स यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स का मास बढ़ा देते हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी ठीक है, और अगर डिस्टेंस के कैसा है इनवर्स, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। आपने देखा जैसे ही मैंने वहां से सन को हटाया वो अर्थ उधर जाने लगी पूरी तरह से, यस और नो? तो उनके बीच में क्या बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो गई थी। कितने लोगों को अब ये टॉपिक क्लियर हो गया? इज देयर एनी डाउट? क्या अब क्लियर हो रहे हैं सारी चीजें? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्यों बोला, ये समझ आ गया?